तो यहाँ पे हो रहा है ये वाला कलर। गुस्सा है अम्मा से, काम है बेटा इसलिए नहीं बैठ पा रहे आपके पास। मुस्तफ़ा, ये मुस्तफ़ा ये देखो क्या है मोबाइल में, काम है ना बेटा इसलिए गोद नहीं ले पाएंगे, नहीं बैठ पाएंगे। आ मेरा बेटा, पेंट घिसने वाला काम देख कर इसमें बहुत मेहनत लगती है। बाहर के जो बरामदे की वहाँ की भी पेंटिंग हो चुकी है, तो अब जल्दी से किचन में लगवा देते क्योंकि किचन भी बहुत ज़्यादा गंदा हो गया, तो ऐसे साथ में किचन की भी हो जाए क्योंकि जो वो बाहर वाला कलर बचा हुआ है तो उसको जो है किचन में उसको लगवा देते हैं। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि किधर से समेटा जाए, किधर से किया जाए। तो सबसे पहले ये वाला रूम लिया गया है कि इसमें जा रहे हैं अब सब कर्टन पड़ेंगे, उसके बाद यहाँ की बेडशीट वगैरह चेंज करनी है। बेड इधर आ गया, आपकी अली आज फिर आ गया था। अली बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहा है, अभी सुबह आ गया था, शांति फिर चला जाएगा। इधर पूरा सामान अभी फैला हुआ है और ये गए हुए हैं अभी कुछ काम से। और ये देखिए ये वाला कमरा भी पूरा फैला हुआ है क्योंकि पूरे जितने कपड़े थे सब जो सामान था सब अभी इस पे ढेर कर दिया गया है। और यहाँ पे जो हम लोगों का विंडो एसी लगा था वो निकलवा दिया क्योंकि ख़राब हो गया था। और ये जगह जो खुली थी उससे चूहे बहुत सारे, नीचे फैक्ट्री है तो बहुत चूहे यहाँ पे आ रहे थे, तो ये पूरा जो है जो इसका होल था एसी वाला पूरा ये बंद करवा दिया गया है। तो इस पर जो है अभी जो है इस पर भी वो आए थे, वो प्लास्टर करके गए हुए हैं, तो यहाँ पर ये सूखेगा अब तो इंशाल्लाह यहाँ की पेंटिंग कल होगी। और क्योंकि बहुत ज़्यादा चूहे तो ज़ाहिर है फिर कितना नुकसान करते हैं, तो बस अभी पूरा ये फैला हुआ है तो देखकर ही मुझे चक्कर आ रहा है, हो सकता है आप लोगों को भी देख के हो कि समेटेगा कैसे। और मुझे भी अभी समझ नहीं आ रहा कि कैसे ये पूरा क्लीन होगा, पूरा साफ़ होगा, कितना टाइम इसमें लग जाएगा इंशाल्लाह। और जब फिर जुट जाए तो लगता है हाँ हो जाएगा। मुझे लग रहा है कि पूरा आज का दिन और कल का आधा दिन इसमें लगेगा। और यहाँ का भी कलर जो है बहुत प्यारा सा हुआ है ये वाला। ये तो जो सामने वॉल पे हुआ, सामने सेम कमरे का जो बटर कलर था वो ही हुआ है। ये बहुत अच्छा सा पिंकिश सा लग रहा है, थोड़ा सा बिस्किट कलर, कैसा कलर बोले अभी इसमें क्लियर आपको कलर नहीं आ रहा होगा, पर बहुत ही प्यारा सा कलर है ये वॉल और ये वॉल। अभी आए बाहर और इसके बाद से कुछ भी काम नहीं हो पाया क्योंकि तबीयत अच्छी नहीं लग रही है। बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है और नज़ला गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया क्योंकि डस्ट के सब की वजह से एलर्जी हो जाती है। ज़ुकाम वैसे रहता है, जब ये सब होता है तो फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और बाहर का है ये वाला कुछ कलर क्योंकि अभी जब लाइटें जल रही हैं तो जब लाइटें बंद हो जाती है थोड़ा सा डार्क दिखता है, पर है बहुत प्यारा सा कलर। ये देखिए आप इस तरह का देखिए ऐसे, ये कलर है पूरा बहुत ही प्यारा सा पिंकिश कलर आ रहा है। ये बटर कलर है और बाकी कुछ भी देखिए सब पूरा उसी तरह, सारे टॉय जितना भी सामान है सब पूरा बिखरा पड़ा है। और उसी में मैंने ब्लॉग ले लिया है कि कोई बात नहीं आप सब भी देखिए, क्योंकि जब हम घर में कुछ काम करवाते कुछ होता है तो मेरे ही घर में नहीं हर घर में कितना काम फैलता है। और ये सारा काम जो
होता है, घर की औरतों का होता है। तो जाहिर है मर्द जो है बाहर का काम कर रहा है, बाहर दिख रहा है। ऐसा नहीं कि मर्द नहीं करते, मर्द पूरा बाहर का मैनेज करता है। वो हमें सामान ला के दे रहे हैं, लेबर के पास भी खड़े हैं, वहाँ भी जाना है, यहाँ भी आना है, और हमारा काम है जाहिर है। और औरतों का थोड़ा डबल काम हो जाता है कि हमें बच्चों को भी देखना है, खाना भी बनाना है, नाश्ता भी बनाना है, साथ में सबका चाय पानी भी देखना है, सबका ख्याल भी रखना है, फिर ये सब भी काम है। तो बस इंशाल्लाह एक दो दिन तो जाहिर है लगेगा, थोड़ा धीरे धीरे हो पाएगा। जो भारी जैसे सामान घसीटना है, उठाना है, कुछ ऐसा करना है, तो फिर मैंने बानो को बुला लिया, तो उसने सब बेड और तख्त ये सब करवा दिया था। फिर बाद में कर्टन वगैरह ये सब कर लिया था मैंने प्रेस करके, सब धीरे ही धीरे कर पाएंगे। और इधर का भी पूरा देखिए, सब पूरा बिखरा पड़ा हुआ है पूरा सामान। और ये किचन के जो है जितने भी बर्तन हैं सारे निकल के यहाँ पे सब आगे पूरे में रख गए थे, क्योंकि सब वॉश करके रखे गए हैं। और इधर जो है सब सामान है, किचन पूरा बिखरा पड़ा है, और किचन का ये पेंट हो गया है, किचन का ये वाला कलर है जो बचा हुआ था थोड़ा सा, तो बस ये वाला ये टॉयलेट और बाथरूम में और किचन में यही कलर रखा गया, क्योंकि जो बचा था तो मतलब वेस्ट नहीं करना था, रख दो तो फिर सूख जाता है, तो मैंने यहाँ पे लगवा दिया है। और बाकी किचन की हालत कुछ इस तरह से आप देख रहे, जितने बर्तन धुल सकते थे वो सब धुल के बाहर रखे गए हैं। और इसे मैंने अभी दाल और चावल बस किसी तरह बनाया है, और बाकी ये पूरा जितना है सब इंशाल्लाह सुबह सब क्लीन होगा। पूरा देखिए इस तरह से बिखरा पड़ा हुआ है, तो कल सुबह सुबह पूरी ऊपर की धुलाई होगी, सारे जो है जार वगैरह धोए जाएंगे, सामान सही से फिर खाली किया जाएगा। तो अभी बस उठी हूँ मैं किसी तरह से कि मैं दाल को जो है तड़का लगा के दाल चावल बच्चों को खिला दूँ, और बाकी ये सब गेट वगैरह बंद कर देते हैं। सैयदा का स्कूल भी है, 9:30 हो चुका है, और बाकी कल जो है इधर इस वाले रूम में लग जाएगा जो मैंने दिखाया था, जो प्लास्टर वगैरह हुआ है वो बंद किया गया है, एसी वाला जो होल था, तो कल वहाँ पे पेंटिंग लग जाएगी, उसके बाद बस ख़त्म हो जाएगा। और ये सब अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि, और फ्रेंड्स ये वाला रूम जो है ना मतलब सेट हो चुका है पूरा, आज बेड जो थी मतलब इस साइड थी, अब मैंने इधर यहाँ पे इस साइड पे कर दिया है, और पूरा जो है क्लीन हो चुका है। बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, उसके बाद मुझे जो है डस्ट से बहुत तेज़ ज़ुकाम हो गया है और सर में दर्द भी हो रहा है। तो अभी मैं नहा धो के बच्चों को नहलाया, क्योंकि जो है दिन भर का काम रहता है, फिर बच्चे भी ज़ाहिर है गंदे हो जाते हैं। फिर दोनों बच्चे जो है नहा के, और उसके बाद फिर मैं अभी नहा कर थोड़ा सा भी हल्की हुई आकर लेट गई, क्योंकि अब कुछ करने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही है। और जो चौका था वो यहाँ पे ऐसे कर दिया है, पहले यहाँ पे बैठता अब यहाँ पे ये ऐसे कर दिया है। और बताइएगा आप सबको जो है रूम का कलर कैसा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले जब हो रहा था तो लग रहा था कि अच्छा नहीं लग रहा है, पर होने के बाद बहुत प्यारा लग रहा है, कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा है। और कर्टन भी सब धो के आयरन हो के सब लग चुके हैं, और ये रहा इसका फाइनल लुक। और सिर्फ अभी एक रूम सेट हुआ है, बाकी अभी पूरी तरह से फैला हुआ है पूरा किचन, और बाहर लॉन है जितना है, अब जो है टॉयलेट और बाथरूम में जो है कलर पेंट हो रहा है। तो बस अभी मैं थोड़ी देर के लेटी हुई, क्योंकि जाहिर है 3 से 4 दिन लग जाएंगे सफाई होने में, और सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। तो अभी मैंने जो मेडिसिन खाई है, मैं आके लेटी हुई, थोड़ी देर लेट हुई, तबीयत थोड़ी सी हल्की, उसके बाद चाय पियेंगे, फिर आगे का देखेंगे कि अब क्या करना है। और बहुत बड़ा ये काम तो बहुत दिन से होना है, फाइनली ये तारीख थी। अरे बहुत दिन से घेरे हुआ था हमको कि कलर करवा लो, पेंट करवा लो। मैं सोची थी मुस्तफ़ा को जितना करना है मुस्तफ़ा कर ले, और अभी नहीं करवाएंगे, थोड़ा सा मुस्तफ़ा समझदार हो जाए थोड़ा सा तो कराएंगे। पर अभी मुस्तफ़ा जो कल से बहुत एहतियात कर रहे हैं कि पेंट हुआ है, न्यू है, सब नहीं करना है, हाथ भी रखता है तो बहुत ख्याल से, वॉल पर अगर हाथ भी रखता है तो बहुत ख्याल से। तो देखिए बच्चे हैं, होगा तो हो गई थोड़ा बहुत, तो बस फाइनली कि बहुत ज़्यादा जो गंदा हो गया था वो साफ़ हो चुका है। और मुस्तफ़ा को भी इधर नींद आ रही है। अच्छा बच्चों को भी ना खेल नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, जो है पाबंदी हो गई, पूरा सब हर तरफ फैला हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या सामान किधर क्या रखा है, कैसे उठाएं, कैसे समेटें। खैर इंशाल्लाह सब हो जाएगा, और बस अभी थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद चाय पी के फिर उठते हैं। सैयदा जो है अपना ट्यूशन का वर्क कर रही, क्योंकि इसके जो है सर आने का टाइम हो रहा है थोड़ी देर में, 6 बजे वो आते हैं, 4:15 हो चुका है। और अभी टीवी भी नहीं चल पा रहा बच्चों का, क्योंकि अभी टीवी का जो है कुछ तार वगैरह निकला हुआ है, अभी वो कनेक्शन नहीं हो पाया, क्योंकि निकाली गई थी पूरी टीवी। जब इनके पापा आ जाएंगे तो पापा उसको लगाएंगे, अभी नहीं हो सकता। जाहिर है जो पेंट करने आ रहा है उनको भी जाना है, फिर अली भी नहीं रह पाएगा, और मेरे हस्बैंड को जाहिर है फॉर्म है, घर ऐसा भी पूरा देखना है, और मुझे भी नहीं लग रहा कि मैं इतना पूरा समेट पाएगा, तो ये छोड़ दिया जाएगा इंशाल्लाह। फिर 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद
देखा जाएगा जब होगा टाइम, ऐसा होगा हालात, तो फिर ये वाला भी पूरा सब हो जाएगा, क्योंकि इसमें कम से कम वो 2 दिन लेगा और कल वो जा रहा है, कल शाम तक जितना वो समेट पाएगा उतना करके फिर वो चला जाएगा। तो कल मैं सोच रही हूँ सब कर्टेन वगैरह उतार के सब धो लूँगी, सब होगा। तो बस यही सब आप लोगों को बताना था। और रूम जैसे देखा ही आपने, रूम है कुछ इस तरह से। और बस आज के लिए इतना ही, आज के ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और तब तक के लिए बाय बाय। बस जितना हो सके इसको एंजॉय करिएगा, जितना भी ब्लॉग बना है इसको एंजॉय करिएगा आप लोग।